हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दुजा। क्या आपके घर में छोटा बच्चा है और आप लोग को एक क्वेश्चन आता है बार बार कि ये बच्चे को एग्जैक्टली कैरी कैसे करना है? क्या हम लोग को कैरियर खरीदना चाहिए? क्या हम लोग को बेबी वेयरिंग खरीदना चाहिए? क्या हम लोग को हुपा खरीदना चाहिए? क्या हम लोग को बच्चे के लिए प्रैम खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? कैरियर खरीदने या ऐसे बच्चे को कैरी करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होता है, ये सब चीज़ें जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सारे एज ग्रुप के बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं एकदम छोटा एज ग्रुप। यूजुअली अगर आप लोग इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हो तो फर्स्ट 40 डेज टू 60 डेज बच्चे को लेके हम लोग बाहर बहुत ही कम जाते हैं। आप लोग बच्चे को लेके बाहर जाओगे, डॉक्टर के विजिट, वैक्सीनेशंस, तो ये छोड़ के बाहर जाना काफ़ी कम हो रहा है। तो आपके पास कोई ऐसा चीज़ रहना चाहिए जिसमें आप बच्चे को बहुत कंफर्टेबली कैरी कर सको और बच्चे के नेक बहुत पीसफुली रह सके उसके अंदर, बिकॉज इनिशियल 3 मंथ्स में बच्चे का नेक स्टेबल नहीं होता है। इसीलिए आपको कोई भी ऐसा चीज़ यूज़ करना है जिसमें बच्चे का नेक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहे। तो ऐसा क्या चीज़ आपके बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो? धंडाडान, यह है हुपा। इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा आइटम है आपके न्यूबॉर्न बच्चे को कैरी करने के लिए। आप हुपा आराम से 4 से 5 महीने तक आपके बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ बेबी, पर बहुत सारे पेरेंट्स इसको 6 महीने तक भी काफ़ी कंफर्टेबली यूज़ करते हैं। तो हुपा को बहुत अच्छा लॉकिंग सिस्टम होता है, आप इसके अंदर बच्चे को रख सकते हो बहुत कंफर्टेबली। लुक एट दिस, इसमें बच्चे को कैरी करना बहुत ज़्यादा आसान है। आप लोगों को भी रियलाइज़ होगा नेक को लेके टेंशन नहीं है, बच्चे को संभालना बहुत ज़्यादा आसान है, बच्चे को ज़मीन पे रखना भी बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको कहीं पर बच्चे को थोड़ी देर के लिए नीचे भी रखना पड़े तो भी हुपा आपके लिए बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल ऑप्शन है। तो अगर आपका बच्चा, जैसे कि मैंने बोला, 4-5 महीने के अंदर है तो आप लोग हुपा प्रिफर कर सकते हो। अगर बच्चा ऑलरेडी 3.5-4 महीने प्लस है तो फिर हुपा मत खरीदो, आपके लिए ऑप्शन उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन जो आप लोग 100% ले सकते हो इस कैरी कॉट। कैरी कॉट का प्लीज़ वो फोटो देख लो। कैरी कॉट इज़ बेसिकली हैंडल जिसको नीचे, इसको बेबी बास्केट भी बोलते हैं, छोटा सा बास्केट की तरह होता है। आप लोगों से ध्यान में रखना है कि वो बास्केट अगर बहुत डीप है तो आप लोगों को गद्दी थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ाना है ताकि बच्चा उसमें बहुत पीसफुली बैठ सके और आप उसमें बच्चे को बहुत इजीली बास्केट की तरह कैरी कर सकते हो। ये आपके बच्चे के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, स्पेशली एज 4 मंथ्स टू 8, 8 साढ़े 8 महीने के बीच में। अगर आप लोग बेबी कैरियर यूज़ कर सकते हो तो आप लोग को बच्चे को कैरी करना, बच्चे को लेके बाहर जाना, ये भी काफ़ी आसान हो जाता है। बेबी कैरियर कम कार सीट भी मिलता है, तो आप लोग अगर कार में बहुत ज़्यादा लेके बच्चे को इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करने वाले हो तो ही कार सीट में इन्वेस्ट करना। याद रखो कार सीट काफ़ी महंगा आता है। अगर आप लोगों को कार सीट खरीदना है तो उसमें बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन होने चाहिए, उसका लॉकिंग सिस्टम बहुत ईजी होना चाहिए। प्रीफरेबली कार सीट्स कन्वर्टेबल मिलते हैं, मतलब कार सीट ही आप बेबी कैरियर की तरह यूज़ कर सकते हो। देर इज़ 3-वे कार सीट ऑल्सो यू गेट। आपको कार सीट मिलता है जो बेबी कैरियर बन सकता है, उसके साथ आप लोगों को कार सीट मिलता है जो कार सीट बच्चे के प्रैम के ऊपर अटैच हो जाता है। सो सेट मिलता है बेबी प्रैम एंड कार सीट। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो अकेला बच्चे को कार में बहुत ज़्यादा लेके ट्रैवल करने वाले हो तो कार सीट बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। सो कार सीट ऐसा खरीदो जो आप उठा के प्रैम में रख दो और फिर प्रैम में बच्चे को लेके जा सकते हो। जैसे ही कार सीट यूज़ करना बंद हो जाएगा, मतलब बच्चा उतना बड़ा हो जाएगा, वैसे प्रैम कंटिन्यू यूज़ में हो सकता है और कार सीट यूज़ करना बंद हो जाएगा। सो दैट कैन बी अ गुड कॉम्बो, लाइक कार सीट और बेबी प्रैम। नेक्स्ट चीज़, क्या प्रैम खरीदना चाहिए? आइडियली आई विल से यस। मैंने बहुत छोटी थी मेरे बच्ची, मतलब आई थिंक 2 महीने बाद मेरे घर से बहुत ओपन हार्टेडली आई यूज़ टू गो आउट मेरी बच्ची को लेके, गार्डन में चक्कर मारना, मेरे सोसाइटी में चक्कर मारना, ये बहुत कॉमनली आई यूज़ टू डू। तो प्रैम एक ऐसा चीज़ था जिसमें मैं बच्चे को इवनिंग में मस्त तैयार करके, अच्छे से कपड़े पहना के बच्चे को प्रैम में डाल के लेके जाती थी, और मैं प्रैम कभी भी कवर नहीं रखती थी ज़्यादा। सो खुला रहता था तो बच्चा स्काई देखेगा, ट्रीज़ देखेगा,
नए नए लोग देखता था आसपास, तो बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हो जाता है और बच्चा बहुत कम क्रैंकी होता है। शायद प्रैम में क्यों रखना है बच्चे को, हम लोग गोदी में नहीं उठा सकते क्या? उठा सकते हो, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट वजन बच्चे का कितना देर उठाओगे? प्रैम बिकम्स अ वेरी इजी ऑप्शन बच्चे को कैरी करने के लिए, और जैसे बच्चा थोड़ा बैठता है तो प्रैम को आप थोड़ा सा खड़ा करके जब भी बच्चे के साथ घूमते हो, तो बच्चों के लिए भी प्रैम एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पीसफुल और कम्फर्टेबल हो जाता है। थर्ड थिंग जो प्रैम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एज अ मदर आपको जब भी एक्सरसाइज करना है, आपको वॉक के लिए निकलना है, तो बहुत बार मदर्स का एक डाउट होता है कि मैं कैसे निकलूँगी, तो आप प्रैम में बच्चे को डाल के आपका इवनिंग वॉक 35 to 40 minutes का प्लस बच्चे का भी आउटिंग दोनों साथ में प्लान कर सकते हो। एंड इनकेस आप में से कोई ट्रैवल लवर है, आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपके लिए प्रैम कंपलसरी हो गया। मैंने मेरी डॉटर के साथ फर्स्ट ट्रैवल किया था टू महाबलेश्वर जब मेरी बच्ची 2 महीने की थी, जब मेरी बच्ची 10 से 11 महीने की थी तभी हम लोगों ने US ट्रिप किया था 24 डेज का, फिर जब मेरी डॉटर 22 months की थी तभी हम लोगों ने लैटिन अमेरिका किया था, लाइक अर्जेंटीना, बोलीविया, अल्कालाफाते, उशुआया, ब्राज़ील, चिले, ये सब चीज़ें हम लोगों ने उस वक्त किया था। आप इतना घूमे, हाँ जी, प्रैम लेके, और इतना पीसफुली मेरी डॉटर हर जगह पे प्रैम में ट्रैवल करती थी, तो प्रैम इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट थिंग, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है क्या हम लोग को बेबी कैरियर बाय करना चाहिए। सो बेबी कैरियर दो टाइप के आते हैं, एक जिसको बोलते हैं बेबी वेयरिंग और एक जिसको बोलते हैं बेबी कैरियर। बेबी वेयरिंग बेसिकली रिंग स्लिंग, स्लिंग्स होता है, अलग अलग टाइप के कपड़ों के चीज़ें आती है, जैसे सेंटर में से उसको पाउच होता है उसमें आप बच्चे को डाल दो और उसको नॉट आप लोग बहुत झांसी की रानी की तरह बांध सकते हो। सो बेबी वियरिंग अच्छा है क्या? यस 100% बेबी वियरिंग भी अच्छा है। तो हम लोग क्या बेबी कैरियर खरीद सकते हैं जो रूटीनली मार्केट में मिलता है? यस यू कैन। बेबी कैरियर कब से यूज़ करना कंफर्टेबल है? आपका बच्चा 3 महीने का होने के बाद जब भी बच्चा नेक को बहुत कंफर्टेबली पकड़ पाता है तभी आप लोग बेबी कैरियर यूज़ कर सकते हो। बेबी कैरियर यूज़ करने के बहुत बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये कि बच्चा आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता है तो सिक्योरिटी फील करता है। अगर किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा लेने को मांग रहा है तो वो एक थोड़ा पीसफुल हो जाता है। थर्ड थिंग विच इज़ अ गुड थिंग इज़ दैट बहुत बार ये बच्चे को सिक्योर फील कराने भी हेल्प करता है। क्या पूरा दिन बच्चे को बेबी कैरियर में लेके घूमना है? नहीं लेके घूमना है, थक जाओगे। सो बेबी कैरियर बेसिकली तभी यूज़ होता है जब भी सपोजली आपको कुछ काम करना है, आप बिजी हो और बच्चे को लेके आपको कुछ करना है, आपको 2-wheeler पे कहीं पे जाना है और आप बच्चे को बेबी कैरियर। बेबी कैरियर की 2 ways होता है, बच्चा आपकी तरफ फेस और बच्चा बाहर की तरफ फेस। तो यूजुअली 3 to 7-8 months तक बच्चे को अंदर की तरफ फेस करो तो बेटर, और फिर 8 months के आगे बच्चा एक्सप्लोरर होता है तो बाहर की तरफ फेस करके रखो तो बेटर। सो आप कहीं पर ट्रैवल करो, शायद 2-wheeler पे बच्चे को लेके कब से जा सकते हैं। मैंने मेरी डॉटर 3 महीने की थी तभी से उसके साथ 2-wheeler पे ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। आई यूज़ टू मेक हर वेयर फुल स्लीव्स फुल पैंट वाले कपड़े, फिर उसको बेबी कैरियर में डालो, फिर उसको कान टोपी पहना दो ताकि कान को हवा ना लगे। यस, बेबी कैरियर कैसे सिलेक्ट करना आई विल बी टेलिंग यू ऑल। ऐसे बहुत अच्छे से पैक करके मैं उसको बेबी कैरियर में डाल के लेके जाती थी। इनफैक्ट मेरी बड़ी वाली डॉटर के जो क्लासेस वगैरह रहते थे वो सारे क्लासेस को मैं छोटी वाली डॉटर को उस बेबी कैरियर में डालती थी। मस्त 2-wheeler पे बड़ी वाली डॉटर को छोड़ो, वापस बड़ी वाली डॉटर को लेके आओ, उसको उस कैरियर में डाल के आई यूज़ टू ट्रैवल। कुछ कुछ लोग ऐसे मानना है कि वो कैरियर में डालने के बाद ना मेरा बच्चा बहुत अनइजी हो जाता है। सो उसके लिए वजह क्या है? सी बेसिकली आप बच्चे को कैरियर में कभी डालते हो और क्या वो बच्चे के लिए पीसफुल एक्सपीरियंस बनाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे और एक कमेंट आया कि शायद फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा है कि जॉइंट फैमिलीज नहीं होते हैं और कोई संभालने वाला नहीं होता है इसीलिए उनको कैरियर ज़्यादा लगता है, हम लोग को इसकी क्या ज़रूरत है? एज अ मदर इफ़ यू वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट आपको बेबी कैरियर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, अगर आपको वॉक पे भी जाना है और आपको लगता है कि आपका बच्चा थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है, बच्चे को बेबी कैरियर में डालो, बहुत कंफर्टेबली कोजीली। बेबी कैरियर का फिट बहुत अच्छा होता है, अगेन विल बी टॉकिंग अबाउट इट। तो ऐसे में डाल के अगर आप लोग बच्चे को लेके जाते हो तो आपका बच्चा बहुत सिक्योर और पीसफुल रहता है। और बच्चा जब भी बाहर जाता है तो बच्चे को पता चलता है। आई हैव वन फ्रेंड जीनल
जिसका बच्चा बेबी कैरियर लेके था, आ, 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 मतलब बच्चा बोल रहा है चलो अभी पहनो और मुझे बाहर लेके जाओ, तो ये कितना पॉजिटिव है कि बच्चे को पता चलता है कि इसने ये पहनना है तो मुझे लेके बाहर जाएगी। तो पॉजिटिव एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी चीज के साथ। कैरियर आपको सिलेक्ट कैसे करना होता है, समथिंग दैट इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को चेक करना है। बेबी कैरियर से मैंने ऐसा बेबी कैरियर अगर आपने खरीदा और दूसरा आपने ऐसे वाला बेबी कैरियर खरीदा, ये क्या है, ये बच्चे का बॉटम जहाँ पे रहेगा वो एरिया है, तो ये बच्चे का हिप बोन है से पॉटी का जगह, और इधर से ऐसे बच्चे के पाँव नीचे आ रहे हैं। सो ये बेबी कैरियर बच्चे के लिए गलत है। अगर सेंटर पोर्शन से बच्चे के पाँव उल्टा यू या उल्टा वी ऐसे डायरेक्शन में अगर नीचे की तरफ आता है तो बेबी कैरियर बच्चे के हिप जॉइंट को तकलीफ देता है और आपको रियलाइज होगा बच्चा बहुत अनईजी होता है। सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। बच्चे का पॉटी का जगह अगर यहाँ पे मैं पकड़ूँ और यूजुअली थाइज यहाँ पे और फिर बच्चे के पाँव नीचे, थाइज यहाँ पे और फिर बच्चे के पाँव नीचे, दिस इज लाइक एम, या हमको उल्टा डब्ल्यू बोलते हैं। अगर इस पोजीशन में आपके बच्चे के पाँव रह रहा है जहाँ पे घुटना जस्ट कैरियर के बाहर और फिर, देन दिस अ परफेक्ट पोजीशन, इसको बोलते हैं अर्गोनॉमिकली राइट पोजीशन। आप आपके बच्चे के लिए जब भी बेबी कैरियर खरीदो प्रिफरेबली उसका वेट कैपेसिटी चेक करो, ये फर्स्ट थिंग। बेबी कैरियर सिलेक्ट करते वक्त आपको ये चीज़ संभालना है कि आपके बच्चे का वेट कितना बढ़ने तक बेबी कैरियर चल सकता है। यूजुअली अगर आप स्पेसिफिक बेबी कैरियर खरीदते हो तो वो 12 से 14 किलो तक बहुत आराम से चल जाता है। यूजुअली बेबी कैरियर ऐसा खरीदो जिसमें एडजस्टमेंट हो, जैसे आपका बच्चा 3 से 6 महीने का है तो उसको नेक के लिए सपोर्ट का एडजस्टमेंट होता है। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप नेक के सपोर्ट को फोल्ड कर सकते हो। नीचे का एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया, एम फॉर्म अगर हो रहा है तो आपके बच्चे के लिए वो बेबी कैरियर सही है। सेकेंड थिंग, वो बेबी कैरियर के स्ट्रैप्स बहुत अच्छे से होने चाहिए। सो जैसे मेरे पास जो बेबी कैरियर था उसको 2 स्ट्रैप्स थे, एक स्ट्रैप जो मेरे लोअर बैक के ऊपर होता था और दूसरा स्ट्रैप जो यहाँ पे फिट होता था। तो कोई किसी का हेल्प लगता है? हाँ, यूजुअली मुझे किसी का हेल्प लगता था बट स्लोली स्लोली मैं खुद भी सीख गई। वो आपके लोअर बैक को सपोर्ट करता। जो भी बेबी कैरियर खरीदो इंश्योर करो कि उसको 2 स्ट्रैपिंग सिस्टम हो, मतलब 2 प्रोटेक्टिव सिस्टम, ताकि एज अ मदर आपके स्पाइन के ऊपर लोड ना पड़े। नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू चेक, जब भी आप बच्चे को बेबी कैरियर में डालो तो बच्चा आपके वेस्ट के लेवल में होना, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने जिस लेवल पे स्ट्रैप बांधा हुआ है उस लेवल पे बच्चे की हिप्स आने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे कि स्ट्रैप ऊपर बांधा हुआ है और हिप्स नीचे की तरफ है तो वो आपके बैक के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, टेलबोन और लोअर बैक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, जिससे आप लोगों को बैक पेन होना शुरू हो जाएगा और फिर आपको लगेगा कि मैं आई थिंक बच्चे के लिए मैं बेबी कैरियर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नेक्स्ट थिंग, बेबी कैरियर कितना देर तक यूज़ कर सकते हैं? सी आइडियली आधा घंटा 1 घंटा यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप और आपका बच्चा जितना कम्फर्टेबल हो उस हिसाब से आप लोग बेबी कैरियर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, बेबी कैरियर का कलर प्रिफरेबली ऐसे कलर यूज़ करो कि जो आप लोग को बहुत ज़्यादा क्लीन और मेंटेनेंस के लिए नहीं यूज़ करना पड़े। बिकॉज बेबी कैरियर यूजुअली आप लोग 2-व्हीलर पे या बाहर जाते हो या किचन में काम करते हो तभी यूज़ करोगे, तो बहुत लाइट कलर अगर लोगे तो वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप लोग को प्लीज़ ध्यान में रखना है कि बच्चे को नेक को सपोर्ट करने के लिए उसको स्ट्रैप होने चाहिए। तो यूजुअली अर्गोनॉमिकली राइट जो बेबी कैरियर होते हैं जिसमें नीचे पाँव का एम तैयार होता है उसमें नेक सपोर्ट के लिए भी स्ट्रैप होता है, तो वो स्ट्रैप जितना वंडरफुली आप चाहिए एडजस्ट कर सकते हो तो बच्चे के नेक को वो बहुत फर्मली सपोर्ट भी करता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप लोग जब भी बेबी कैरियर पहनो तभी ध्यान रखो, अगर आप लोग को डाउट होता है तो इनिशियली किसी का हेल्प लो ताकि आप पूरा बेबी कैरियर पहनो और कोई आपके बच्चे को ऊपर से धीरे से अंदर स्लाइड कर सके या ग्लाइड कर सके, तो वो आपके लिए काफ़ी पीसफुल हो सकता है। एक बार धीरे धीरे आपको ये आदत हो गई, आप खुद हो के बेबी कैरियर में बच्चे को ले पाओगे। आई गॉट मैनी फ्रेंड्स जिनके बच्चे अभी 1.5 साल के आसपास है और वो बच्चा 3 महीने का था तभी से मस्त बेबी कैरियर में बच्चे को लेके घूम रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पीसफुल होता है।
तो बेबी कैरियर्स यूज़ करो, वो अर्गोनॉमिकली राइट होने चाहिए. आप लोग अगर बेबी वेयरिंग मतलब क्लॉथ बेस्ड बेबी कैरियर भी अगर यूज़ करते हो तो वो भी अर्गोनॉमिकली राइट होने चाहिए. बाय द वे, बेबी कैरियर सिर्फ मम्मा लोगों ने यूज़ करना है ऐसा कुछ नहीं है. बेबी कैरियर के कलर्स ऐसे सेलेक्ट करो जो यूनिसेक्स हो. इवन योर हस्बैंड कैन यूज़ इट वेरी पीसफुली, इवन यू कैन यूज़ इट वेरी पीसफुली. मेरे केस में मैंने बेबी कैरियर बैक के ऊपर लगाया हुआ है, सामने लगाया हुआ है, बच्चे को बाहर की तरफ फेस करके लगाया हुआ है. मेरे हस्बैंड ने यूज़ किया हुआ है एंड इट वॉज अ ट्रीट फॉर अस. सो इस हिसाब से बच्चे को कैरी करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, थोड़ा बहुत बाहर निकलो, बच्चे को भी मज़ा आता है और आपको भी मज़ा आता है. सो डू फॉलो ऑल ऑफ दिस टिप्स. बाय द वे, माय दूजा ये सारे वीडियोस करता है सारे नए पेरेंट्स का जर्नी थोड़ा और पीसफुल होने के लिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. ए रुको, बेल आइकन को तो हिट करना ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिल सके. कमेंट करके हम लोगों को ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा. थैंक यू सो मच एंड बाय.